मैं हूँ स्मिता पटवाल और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय जनपद उत्तरकाशी भ्रमण पर आज पहुंचे उत्तराखंड, जहां रक्षा मंत्री ने विजय संकल्प यात्रा का किया समापन। रक्षा मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनपद भ्रमण पर रहे मौजूद। उत्तराखंड में एक दिन में 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 पार हो गया है, जबकि 24 घंटे में 119 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब हेल्थ केयर वर्कर भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2 डॉक्टर सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं नैनीताल में 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो अपने आवास पर आइसोलेट हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 5 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में बढ़ते बर्फबारी के बाद बैकुंठ धाम का नजारा देखते ही बन रहा है। कल 5 जनवरी को बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात के बाद बद्री विशाल का धाम पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड जनपद के हर्षिल घाटी में जनवरी महीने की पहली बर्फबारी देखने को मिली। हर्षिल घाटी पूरी तरह बर्फ की आगोश में समा गई है। पर्यटकों से लेकर किसानों को भी इस बर्फबारी से फायदा मिल सकता है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने कहा कि 9 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अल्मोड़ा श्रीनगर में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान से फैसला लिया गया है। जनपद उत्तरकाशी में युवाओं में नशे के बढ़ते प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बटकोल पुलिस द्वारा ग्राम थान की स्थित दुकान के समीप चेकिंग अभियान के दौरान एक अभियुक्त को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रवर्तित राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ विगत 23 दिसंबर से 4 सूत्र मांग को लेकर कलमबंद हड़ताल पर है। हड़ताल के 13 दिन बीत जाने के बाद ही सरकार ने अभी तक हड़तालियों की सुध नहीं ली है, जिससे आंदोलन कर्मचारियों का रोष बढ़ता नजर आ रहा है। 4 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अध्यक्षता में ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशन में गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश और पुनर्वास के लिए 15 सितंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक 3 महीने का ऑपरेशन स्माइल अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान में गुमशुदा बच्चों के साथ साथ गुमशुदा पुरुष और महिलाओं को भी तलाश किया गया। अल्मोड़ा विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा नगर की साईं मंदिर से धान की तुनी तक की मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इसमें पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी भी शामिल हुए। कल से लखनऊ एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्वविद्यालय के नवीनतम परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्र विधायक सहदेव सिंह पुंडी और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। 5 जनवरी को डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत कुटकावाला में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरिद्वार में हुई धर्मसंतन मामले में गठित एसआईटी का साधु संतों ने विरोध किया है। एसआईटी के विरोध में 16 जनवरी को हरिद्वार में प्रतिज्ञा सभा करने जा रहे हैं। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी देहरादून को मसूरी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द प्राइवेट स्टेटों के नोटिफाइड और डीनोटिफाइड किए जाने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद अल्मोड़ा के सर क्षेत्र की खस्ता सड़कों के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर आए हैं। तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। मसूरी में युवा संघ समिति के द्वारा 4 जनवरी की देर शाम को 4 सट्टा बार के कर्मचारी द्वारा पर्यटक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वहीं मसूरी में एक चाकू मारने की घटना से मसूरी में हड़कंप मच गया। वहीं इसी को लेकर 5 जनवरी को मसूरी युवा संघ समिति द्वारा मसूरी में इस घटना की घोर निंदा करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चेक पर प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन से बाहर से आने वाली कंपनियों को मसूरी में आने से रोकने और बाहर से आने वाले लोगों को यहां पर रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ऋषिकेश निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। मेयर अनिता ममगई ने निगम अधिकारी और पार्षदों की मौजूदगी में सफाई निरीक्षकों की बैठक लेकर भावी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 5 जनवरी को नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के द्विवार्षिक अधिवेशन में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास पत्रकारों की बड़ी भूमिका रहती है। जनपद रुद्रप्रयाग के ललूड़ी देवल राजकीय महाविद्यालय जखोली मोटर मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में है। मोटर मार्ग पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग के 4 किलोमीटर हिस्से का डामरीकरण सहित अन्य कार्य भी नहीं हो पाया है। मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। पहाड़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा के खैरना रानी खेत मोटर मार्ग का है, जहां बीती देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1-2 साल की बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने हरिद्वार जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हरिद्वार और रुड़की के 15 अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार में शर्मा इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर और रुड़की में सहारा नूर होम अल्ट्रासाउंड सेंटर में रिकॉर्ड का रखरखाव सही नहीं पाए जाने पर टीम द्वारा दोनों सेंटरों को नोटिस दिया गया। उत्तराखंड में तीसरे दिन गुरुवार को भी मौसम खराब रहा। सुबह राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे, हालांकि मैदानी जिलों में धूप खिलाई। वहीं चारधाम सहित ऊंची चोटियां बर्फबारी से ढक गई हैं। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ी है।
5 मिनट 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।